चलो किसान आंदोलन का लगभग डेढ़ महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बिशक मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और यहाँ पर हमारे साथ है एक रिनॉन्ड सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ मौजूद है मेधा पाटकर मैम। सरकार लेकिन संगठन के साथ ही हम पहुँच गए, वो तो अपनी बात उठाए हमारे कोई नेतागिरी के आधार पर चलने वाला संगठन नहीं होता। आंदोलन कैसा लग रहा है की किसान अमेंडमेंट को लेकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, सरकार कह रही है कि अमेंडमेंट की जरूरत है। मैम क्या लग रहा है अब ये मामला कहाँ जाने वाला है? परेशान करना, प्रदूषण के नाम पर उन पर अपराधी प्रकरण डालना, ये बात भी हट चुकी है। आगे चलकर बात सरकार के लिए कि तीनों कानून गरीब किसानों की भलाई के लिए, आने वाले भविष्य में किसानों के लिए भलाई का काम होने वाला है, किसानों के लिए भलाई का काम होने वाला, खासकर गरीब किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए गरीब किसानों का अपना सीधा कॉर्पोरेट। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ जो आंदोलन चलते हुए इतने जिलों से खबर आई है, पिछले साल तो गुजरात में आंदोलन हुआ पेप्सिको के खिलाफ, इस साल की खबर मध्य प्रदेश के तो हर जिले से आ रही है, क्योंकि फॉर्चून कंपनी ने 10-10-20 एकड़ के किसानों का धान खरीदने का वचन दिया, पर अनुबंध पर कंपनी का कोई अंगूठा भी नहीं था और बाद में उन्होंने खरीदने से इनकार कर दिया। तो ये तो कायम हो रहा, वो खाद्यान्न बोएंगे नहीं, वो तो नकदी फसल बोएंगे, तो खाद्यान्न सुरक्षा भी खत्म होगी। और ये जरूरी क्या है? आपको लगता है कि खेती में पूंजी निवेश जरूरी है और उसको निवेशक को कॉन्ट्रैक्टर बनाना है, इसका मतलब आप मानते हैं कि किसान के पास उतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने खेती के न्यूनतम निवेश की बात के करते हैं? मैम लेकिन सबसे बड़ा सवाल कर दे दो मैम, एमएसपी में सवाल है, जब एमएसपी पर बात आता है तो सरकार भी नानुकूर करने लगती है। सरकार ये बात तो जरूर कहती है कि एमएसपी कभी नहीं हटने वाला है, जब रिटर्न पे बात आती है तो सरकार पीछे हटने लगती है, आखिर सरकार की क्या मंशा है? तीन कानूनों में एमएसपी का कोई आश्वासन वचन है क्या? तो अब हमने तो विजेंद्र सिंह जी है, हम सब लोग अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय के जो मसौदा पेश कर चुके हैं वो स्पष्ट है, किसी को वो मंजूर करे अगर उनको एमएसपी चालू करना है। और वो एमएसपी केवल 23-24 फसलों के लिए नहीं, वो हर सब्जी तक हर प्राकृतिक उपज को मिलनी चाहिए, उनको स्वामीनाथन आयोग के आधार पर देते हैं। तो मैंने हर बार उदाहरण दिया है कि चना भी आज 4,000 रुपये बेचा जाता है जबकि उसकी ये 5,850 कपास की है, 4,500 में खरीदा जाता है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खटाता है। हर बार मंडी में जब भी हम खड़े हैं तब गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर किया था, दुर्गा जिले में, महाराष्ट्र में, बड़वानी जिले में, मध्य प्रदेश में, बहुत निश्चित है कि ये एमएसपी का केवल आश्वासन देना चाहते हैं, कानूनी वचन नहीं देना चाहते।